ए सिंगल है, ए सिंगल तुझे मिलता नहीं कोई, ए इसे तो लड़का भी नहीं मिलेगा। शश मिस साली, सिंगल हूँ, अपनी मर्जी से हूँ। I had a breakup last night. पर समझ नहीं आ रहा किसको जाके बताऊं, और जब तक बताऊंगी नहीं तब तक पेट में दर्द भी होते रहेगा। Well, I have my girlfriends for that. पर यार उनका रिएक्शन भी तो बहुत अजीब होता है, विश्वास नहीं होता। Let's meet them. तुम एकदम सही कर रही हो कृति, ओके? तुम्हें सेकेंड डाउट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम विद यू ऑन दिस, ओके? वो लड़का एक नंबर का मवाली इंसान है, वो तुम्हारे लायक भी बिल्कुल नहीं है। तुम इतनी एजुकेटेड हो, तुमको अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए और इन सब लड़कों से दूर ही रहो भाई। बता रही हूँ मैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड यू विल थैंक मी लेटर, ओके? आई एम विद यू ऑन दिस और तुम्हें दोबारा इस टॉपिक पे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ट्रस्ट मी। क्यों चाहिए लड़का? आई मीन बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है? तुझे मैं कंप्लीट नहीं दिख रही हूँ? आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है? अपनी लाइफ में सुखी रहने का ऑप्शन मिला हो लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को तबाह करना ज़रूरी है ऐसे चोमू लड़कों के साथ हैंग आउट करके? भाई इनके साथ रिलेशनशिप में रहो या ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अपना करियर सेट कर लोगे ना तो ये लौंडे पीछे लाइन लगा के खड़े होंगे, तुम्हारी जेब से खा रहे होंगे और तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे और तुम्हारी नेल्स पे नेल पेंट लगा रहे होंगे, ठीक है? तो फोकस ऑन योर करियर और ये सब मामलों से दूर रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। यू गॉट माई पॉइंट? तू तो मेरी अच्छी बहन है ना यार, रो मत प्लीज़। तो ना बस रोहित को बोल जा, ठीक है? यार सुन, अपने विल पावर को थोड़ा स्ट्रांग बना, अपने आप पे कंट्रोल रख। ये सब कुछ नहीं है, बस अट्रैक्शन है, यू डोंट लव हिम। तू ना धीरे धीरे सब भूल जाएगी। नहीं भूलेगी ना तो भैया हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, बात को समझ। और देख अभी अभी तो बस तू स्कूल में ही है, देखो तो लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे। तू अभी अभी के लिए रोहित को बोल जा, मैं बता रही हूँ। अगर नहीं भूलिए ना तो तू देख लेना, फिर मैं ना भैया को सब कुछ बता दूँगी और बोल दूँगी कि सब तेरी गलती है, मेरे को कुछ नहीं पता। ओ प्यार तुम्हें हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं क्यों फंसूँ गंग? नहीं, तुम अपना समझ लो, मुझे नहीं पता कुछ। आ गई लड़की अपनी दुकान बंद करा के। तूने पता है क्या दुनिया का सबसे सेक्सी काम किया है? रोहित को ब्रेकअप देके। आई मीन वो लड़का थोड़ा दिमाग से, वैसे तू भी तो चल ठीक है कोई बात नहीं, गुड फॉर यू, बेस्ट फॉर यू, यू विल थैंक हिम लेटर। उसकी कंपनी में रहने से बेटर है ना तू मेरे साथ कंपनी एंजॉय कर। अब दोनों बहनें जाएंगे डबल डेट पर, साथ में टिंडर पे राइट स्वाइप करेंगे, क्या बोलती है? चले कॉफी पे, चल 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 चल, जल्दी पटाख से रेडी हो, अभी अभी अभी, ये रोना धोना कुछ नहीं, तुरंत रेडी होके चलेंगे दोनों बहनें डेट पे। और ना मैं ये शर्ट पहन के नहीं जाऊँगी, थोड़े ना लड़की वाले कपड़े देती है। अब ऐसे मुंह बना के बैठने से क्या होगा, अगर वो पसंद है तो बोलो, मतलब पसंद है भी नहीं भी कंफ्यूजन है। देखो जहाँ तक हमको पता है बहुत लोग को अट्रैक्शन रहता है, बहुत लोग को जेन्युइन फीलिंग्स होती है, सो यू हैव टू नो द डिफरेंस, राइट? तो तुम उससे बात करो, ठीक है? उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जो भी ये चीज़ें सॉर्ट आउट करो। समटाइम्स यू नो अपनी गलती मान लेने से भी ना काम हो जाता है, सो ऐसे जल्दी से कुछ ऐसे फेस बनाने से थोड़े कुछ होगा। अरे काम डाउन बाबा, रोने की क्या जरूरत है, क्या बात हो, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक है? भूल जा उस रोहित को कृति, वो रोहित बेवकूफ है जो उसने तुझे छोड़ा है। उसकी कोई पर्सनैलिटी है?
कुछ नहीं आता है, उसको तो किस्मत से तू मिल गई थी, उसकी गलती उसकी मसीब भ्रष्ट हो गई है जो तुझे छोड़ा है। तू ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुझे ना बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे, वो रोहित बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था तुम्हें। आजकल ना वेब सीरीज़ में भी दिखा रहे ये लड़के ना बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं होते, ये पहले लड़कियों से प्यार करते हैं और फिर उनका बुद्धि बना के छोड़ देते हैं। वो रोहित भी ना मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, अच्छा किया मैंने ना उसे ऐसा छोड़ दिया, बिल्कुल भी वो मतलब तो भरोसे के लायक नहीं। मैंने तो उनको उसको दूसरी लड़कियों के साथ भी देखा, ठीक है मैंने देखो बताया था, मेरे को लगा शायद ऐसे उनकी दोस्त होगी, बट अब मुझे समझ आ रहा है वो ना दूसरी लड़कों के साथ भी अफेयर रखता है। तो ना बहुत अच्छा किया छोड़ दे उसको, और ना इन सब लड़कों के चक्कर में मत पड़ा कर, तुझे ना तेरे दिल का राजा एक दिन ज़रूर मिलेगा, जब तेरी लाइफ में ना सच में कोई प्यार करने वाला आएगा, तेरे को अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ यही है वो लड़का, और छन से बजेगी तेरी पायल पायल तेरी छम छम बोले। या अल्लाह तुझे इन सब चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है, कितनी बार मना किया है तुझे लड़की ये सब मामलों से दूर रहा कर, खुद भी परेशान होती है मुझे भी परेशान होती है, कितनी बार बताया है यार इन सब चक्करों से जितना दूर रहेगी ना उतना खुश रहेगी उतना सुखी रहेगी, भगवान बचाए इस लड़की को। So that's the end of the video guys, I hope you guys like it, and if you do, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to the channel and press that bell icon ताकि मैं जब भी videos upload करूँ वो आपको मिल जाए, and also let me know in the comment section, do you also have girlfriends in your gang who can flirt with momo वाले भैया just for free momos? हाँ अमीशा, rocket का price क्या चल रहा है आजकल? चल दो डिब्बा लेके जल्दी से रोहित के घर के नीचे मिल, आज उस लड़के की बैंड बजानी है, जल्दी आ फटाक। Run.